बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के चैनल के नाज़रीन को डॉक्टर खालिद अनवर का सलाम और आदाब। नाज़रीन, आज के मेरे मेहमान एक हमा जहद शख्सियत हैं, जो एक शायर हैं, एक नगमा निगार हैं, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उनका एक ख़ास मैदान है, एक उनका मोतबर हवाला जो है वो ड्रामा निगारी है। यूँ तो उन्होंने अपने आगाज़ से ही जितने भी सीरियल लिखे उन्होंने बहुत पज़ीराई हासिल की, लेकिन गुज़श्ता दिनों एक सीरियल इख्तिताम पज़ीर हुआ कि जिसने धूम मचा दी, बल्कि तहलका मचा दिया। तो उसका नाम है मेरे पास तुम हो। तो आज मेरे पास मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल के खालिक मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं। जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिद, कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती वक्त से मुझे वक्त दिया। तो हम आगाज़ करेंगे आपके बचपन से। वो क्या माहौल था, वो क्या फ़ज़ा थी कि जिसने नन्हे खलील के दिमाग में वो एक राइटर का बीज उस वक्त बो दिया? देखिए, ये बीज नहीं बोया गया, हालात भी मुवाफिक थे जो मैं वो संभाल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि कहीं मैं थोड़ा सा नाराज था। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। अच्छा। उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो मैं कभी भी किसी को सुना नहीं सकूंगा। तो व्हाट आई रिमेम्बर एग्जैक्टली कि मैं थोड़ा सा नाराज था। तो वो वजह नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, वो वजह नहीं मैं शेयर नहीं कर सकता। अच्छा। तो लेकिन ये एक मेरी ज़िंदगी के हवाले से खूबसूरत और तकलीफ़ दे बात थी कि मेरे यहाँ एक खुदागही थी कि अल्लाह ने मुझे लिखने का मलका अदा किया हुआ है। अब एक ऐसे बच्चे के लिए जो अच्छा स्टूडेंट भी था और एक गरीब घराने का बच्चा था जिस पर फैमिली बैंक करती थी कि वो पढ़ लिख जाएगा, बड़ा अफसर बन जाएगा, वो लिखेगा कैसे? इस लिखने ने बड़े दुख दिए हैं मुझे। दुख इन द सेंस के उसका मेरे घर में कोई अप्रिसिएशन नहीं था, मुझे इस पर मारा पीटा भी जाता था, मारना पीटना बाद में मुझे उस वक्त तो मुझे तकलीफ देता था, लेकिन बाद में जब मैं बैंकर बना और एक अच्छा बैंकर बना तो मुझे एहसास हुआ कि शायद वो सही कर रहे थे। उस वक्त तक हमारे यहाँ लिखने वाले की इस कदर बड़ी पसीराई नहीं थी। मैं समझता हूँ कुदरत ने मेरे लिए माहौल भी साजगार किए। जब मेरा लिखने का वक्त आया तो मुझे स्क्रिप्ट उठाकर किसी के दरवाजे पर हाजिरी नहीं देनी पड़ी, और फिर वो अल्लाह की देन थी। तो जब मैं लिखता गया वो वहां से कबूलियत होती गई, यहाँ से पज़ीराई होती गई। लेकिन ये लिखने का हुनर जो है ये कहाँ से मिला? मतलब वालदैन में कहीं या कहीं खुद से आप बाहर थे? मेरे खानदान का कोई शजरा नहीं बना हुआ, लेकिन जब तक की इतलात और खबरें हैं मेरे खानदान में कोई आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो कभी किसी जमाने में भी राइटर की ना समझा गया। मतलब जब ये हुनर आपको यसर आया तो इसको फिर पॉलिश करने के लिए कहीं असातिज़ा के पास कुछ नहीं? मेरे यहाँ ऑब्जर्वेशन मेरा उस्ताद थी, कुदरत मेरी मावनत कर रही थी। अच्छा। और मैं अच्छा सुनने वाला था, मैंने जिन अच्छे लोगों को सुना है समझिए वही मेरे उस्ताद थे। मैं लोगों को जब कोई अच्छी बात कर रहा होता था और मुसल्लमा बात कर रहा होता था और अदबी बात कर रहा होता था और गुन्नत उसकी अच्छी होती थी और वो कायदे और कानून में होता था ग्रामर के, तो मैं उसको बड़े गौर से सुना करता था। तो वो चूँकि अल्लाह ने मेरे यहाँ ये चीज़ पैदा की हुई थी कि मैं उस थोड़ा सुनने से ज़्यादा समझ लेता था, तो इसी यही मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने सुना, जिनको मैंने बोलते हुए देखा, या मेरे बाद में कॉलेज के दौर में डॉक्टर एहराज नकवी, वो शख्सियत हैं। उन्होंने मुझे कोई कभी कोई चीज़ किसी चीज़ का क्लू नहीं दिया, लेकिन उनका मुझे मैनेज करने का तरीका इस तरह था कि मेरे अंदर वो
कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता गया और मुझे लगा कि शायद मैं इसी काम के लिए पैदा किया गया हूँ। अच्छा, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। आप सिर्फ सुना करते थे, तो फिर कब बोलना शुरू किया इस उम्र में? मैंने कहा ना, मेरे यहाँ वक्त आता है, अचानक मुझे पता चलता है कि मैं आज बोलने लग गया। अच्छा, मुझे मालूम नहीं होता है ना, वो पकती रहती है, वो लिखता मैं रहा, शायरी होती रही। जब इवन मेरे आप रोज लिखना मैंने बंद कर दी, 15 साल मैंने उर्दू नहीं लिखी। आई हैड टू रिएक्ट इट इज माय पेरेंट्स जो नहीं चाहते थे। मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये करदाना जाता था कि मैं लिख रहा था, आज मैं उर्दू में कहानियाँ लिख रहा था। तो उसको फिर एक दिन मैंने बहुत बुरी तरह रिटेलिएट किया और बहुत कुछ अपना जो लिखा हुआ था फाड़ दिया। और काफ़ी साल मैंने फिर उर्दू लिखी नहीं, अंग्रेजी ही पढ़ता रहा। अच्छा, मुझे लगता है कि उस गुर्बत और महरूमियों ने, देखिए गुर्बत जो है ना, ये जो फाइनेंशियल गुर्बत है, हाँ। मैं मुझे नहीं जिंदगी में याद पड़ता कोई लम्हा ऐसा आया हो जब मैंने, अब मैं लोगों को बताने के लिए बता देता हूँ, मैंने कभी अपने आप को गरीब समझा ही नहीं है। मेरा ख्याल है कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें मुझे इस तरह की कोई फीलिंग आई हो कि आई वाज अ पुअर चाइल्ड। लेकिन चूंकि फाइनेंशियली पैसे पास ना होने को लोगों के यहाँ उर्फ़-ए-आम में गुर्बत समझा जाता है, इसलिए मैं हवाला दे देता हूँ। I was always a king, born king, inshallah I'll die king। नहीं तो वो जो महरूमियाँ जिंदगी में आती हैं, महरूमियाँ, देखिए मैं महरूमियों को मानता ही नहीं हूँ। जब आपका अल्लाह पर एतकाद होता है, महरूमियाँ क्या चीज़ होती हैं? महरूमियाँ दो नंबर लोगों का ढिंढोरा है, वो पीटते रहेंगे। मैं आपको जब ऐसी कोई चीज़ जब आप काम हो उसको हासिल करने के लिए जो मेहनत है, उससे ज़्यादा सैक्रेट चीज़ क्या हो? अल्लाह ताला ने आप पर इतनी मेहरबानी की कि आप उसको मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, और आप थोड़ी मेहनत करते हैं और आपको अजर ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा, आपका अल्लाह पे इस कदर जो यकीन और एतमाद और वो है ना तवक्कुल, तो वो आपकी फैमिली में जैसे पेरेंट्स से आपको वर्से में मिली चीज़ लगती है मुझे? तरबियत तो घर में ही होती है ना, कि आपके ख्याल वहीं बनते हैं। तरबियत, देखिए मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि तरबियत घर पर होती है। घर में आपको पाला जाता है, तरबियत आपकी उस वक्त होती है जब आपकी बीवी आती है या आपका आपकी माशूक। अच्छा, इतनी देर के बाद? पहले आपका पालना चलता है या रोज। अच्छा, उसको अच्छा। मैं तरबियत नहीं मानता। अच्छा, तरबियत उस वक्त होती है जब आप उसको सीखना चाहते हैं। अच्छा, रोक टोक को आप सीखना नहीं चाहते। अच्छा, उसमें आप सिर्फ मना हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं, बाल आ जाना तरबियत नहीं। जब आप विलफुली यू चूज टू डू और नॉट टू डू समथिंग, उस वक्त आपकी तरबियत। बच्चे को रोक टोक कीजिए, वो जरूरी है, वो पालने में आता है ना। पालना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको तरबियत की तरफ लेकर जाता है। आप पालेंगे नहीं तो तरबियत कैसे होगी? बिल्कुल सही। कुछ चीजें आपकी सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। कुछ में माँ बाप के वसवसे होते हैं ना, वो वसवसे जो है उसको रोक टोक कराते हैं, तो वो वसवसे तरबियत नहीं करते, वो बुज़दिल बनाते हैं बच्चे। अच्छा, एक वो जेल में भी आप रहे, वो क्या वाकया था? अब वो वाकया भी मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन वो एक ऐसा वाकया था जिसमें मैं अपने एक ऐसे शख्स के हाथों रुसवा हुआ, और वो मेरी जिंदगी में एक तकलीफ थे लम्हा है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपकी शख्सियत में आपकी पसंदीदा चीज़ या आदत है? जी, वो क्या? मुझे किसी से हसद नहीं। अच्छा, दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। अगर मुझे अपने आप में कोई चीज़ पसंद हो, मुझे किसी आदमी से कभी नफरत नहीं होती, गुस्सा आ जाता है, मुझे किसी से हसद नहीं है, मैं खुश होता हूँ लोगों को जब मिलता है। और अपनी किस आदत से आप आजीज हैं? मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब जी, मतलब कि छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे उसको, लेकिन तंग है उससे? नहीं, मैं तंग नहीं। अच्छा, मुझे उसमें नुकसान होता है, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ लोगों के ऊपर। मुझे मेरे अब्बा ने बैठ कर समझाया, मैं नहीं माना। मुझे मेरे घर वालों ने भी समझाया, मैं नहीं माना। मैं लोगों को पैसों पर नहीं तोलता, डिसऑनेस्ट नहीं कहता, मैं मानता ही नहीं हूँ। लोग मजबूरियों की वजह से बात डिसऑनेस्टी कमिट करते हैं। प्राइम ऑफ फसाई जो डिसऑनेस्ट होते हैं वो माशरे का नासूर है। अच्छा, सामने वाले की क्या चीज़ आपको ज़्यादा मुतासर करती है? ऑनेस्टी। अच्छा, आपका पसंदीदा नसर निगार कौन? ये आप लोगों के लिए बड़ी हैरान मन बात होगी कि मैंने पढ़ा नहीं है जिंदगी में। अच्छा, तो कुछ जो इतबासात मैंने पढ़े आज तक, या कुछ एक
अफसाने पढ़े हो मंटो साहब के, मुमताज मुफ्ती साहब को थोड़ा पढ़ा, बतस बुखारी साहब को थोड़ा पढ़ा, बल्कि आप समझे जो कोर्स में था वही पढ़ा, तो उससे मैं लबुल हन का अंदाजा कर लेता था, तो ये लोग मुझे पसंदीदा थे। और ड्रामा राइटर आप अपने अलावा और कौन पसंद है? उमेरा अहमद है हमारी। अच्छा, उनकी क्या चीज पसंद है राइटिंग? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि टीवी ड्रामा लिखने वाले को अदीब माना जाता है? ना माने के दूसरी का फर्क पड़ता नहीं, वैसे जाहिर है वो अदीब है। अच्छा, माना जाए या ना, उससे उनकी जात को फर्क क्या पड़ता है? ये मानने ना मानने का सवाल हमारे मुल्क में उठता है। ना माने आप उसी गहरी खाई में जा गिरे जिसमें गिरे हुए आप, बहुत सारे दूसरे मामला में और फैकल्टीज में। सिर्फ मुशाहदे के जोर पे लिखी हुई तहरीर और तजुर्बे के बाद लिखी हुई तहरीर में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते, आप सुनी सुनाई बातों पर या अपनी को फिक्शन क्रिएट कर लें। ऐसी जब फिक्शन क्रिएट करते हैं तो फैमिलिज्म जन्म लेता है। अगर आपको माशरती एक्सपीरियंस हो, आपने दुनिया को करीब से देखा हो, मामला को करीब से देखा हो, तो आप इस तरह के जख्म नहीं लगाते माशरे को किसी तरह भी। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं सास बहू वाले ड्रामे ही बनाता हूं। I hate this, तो क्यों नहीं बनाते सास बहू को, ठीक किसने करना? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मैं उस पे अभी जब मैं कभी लिखूंगा तो मेरे यहाँ तो सास बड़ी काबिल इज्जत और एहतराम हस्ती है, मेरे यहाँ बहू बड़ी काबिल एहतराम और काबिल इज्जत हस्ती है, मेरे यहाँ भाभी माँ के बराबर है, मेरे यहाँ नंद, मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब मेरी बेटियाँ अपने घर जाएँ तो वो नंद को पहली दोस्त समझें, तो उस दोस्ती में हम कुर्बानियाँ भी देते हैं अपने, वरना रोज़मर्रा के दोस्तों की हम कई बातें बर्दाश्त कर लेते हैं तो वहाँ भी बर्दाश्त कर लें। माँ बाजू का बिला वजह डांटती थी, वो सुन लेते हैं तो सास की भी सुन लें, तो यही तालीम देनी है, तो वो देंगे। अभी मैं अभी तो ये जो हरामजदगी चल रही है इस पर लोगों की नफरत, अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त आ गया है जब लोगों की नफरत जो है वो अपने उरूज पर है, और इन्होंने बदकिस्मती से हमारी खातिन ने ही अपनी खातिन के खिलाफ लिखा और एक इमेज ख़राब किया, क्योंकि औरत के पास चार ही किरदार हैं, पांच किरदार हैं, सास बहू नन भाभी और बेटी के और माँ के, तो आप हर औरत जो लिख रही है वो उस वक्त या किसी की माँ है या किसी की बेटी है या किसी की बहू है या किसी की सास है या किसी की नंद है या किसी की भाभी है, तो आप तो अपने ही अपनी खाल उधेड़ रही हैं। शर्म तो इस बात की आनी चाहिए थी, जो मेरे ख्याल में पब्लिक के अंदर इतनी नफरत आई है कि इनको शायद लिहाज हो, लेकिन वो एक एजेंडे पर काम कर रही हैं और वो एजेंडा मैं जानता हूँ। दैट विल फाइट आउट, फाइट आउट।